वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। यार काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ राइड वगैरह भी नहीं हो रही है और कुछ वीडियोस पेंडिंग बाकी अपलोड करने के लिए, क्योंकि काम की वजह से टाइम नहीं मिल सका है। तो आज मैं अपने एक रिलेटिव के साथ बनारस आ रहा था प्लाव के खाने के लिए, तो उसका ये कैमरा मौजूद था उसके पास, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड करने आया था, तो मैं सोचा कि मैं अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ हाथ के हाथ ही। तो यार प्रॉब्लम ये है कि कुछ काम की वजह से टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है, तो और दूसरा ये रमज़ान भी आ रहा है, और दूसरा ये कि फिर जुलाई में हमारा एक लॉन्ग टूर है जिसका मैं आपसे जिक्र करूँगा। तो अभी यहाँ पर हम आए थे बनारस चौक पे, एक है ये मर्दान का मशहूर जर्दा पुलाव है कोई, तो ये खाने के लिए आए थे। तो मुझे गाड़ी आ गई है, मुझे ना बड़ी तारीफ की गई थी इसकी, तो मैंने बोला यार चलो यही फूड ब्लॉग एक बना लेते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाएं, कुछ ना कुछ आ रहा हो, तो ये वीडियो बनाने के लिए चलते हैं। अभी चलते हैं वहाँ पर पुलाव की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि पुलाव है किस तरह का। ये पुलाव है, बीफ पुलाव है ना, ये बीफ पुलाव और जर्दा, ये बनारस में काफ़ी मशहूर है। बनारस चौक पर ही है ना, ये मेन बनारस चौक पर ही है। आप अगर वहाँ से नाजमाबाद से आ रहे हैं तो सीधा आएंगे, ब्रिज से नीचे आना है आपको स्ट्रेट आके, फिर जो चौक आएगा चौक के सामने ही है, आप लेफ़्ट पे मुड़ेंगे या लेफ़्ट की तरफ जैसे आप देखेंगे तो स्ट्रेट लेफ्ट के अपोजिट रोड क्रॉस पर ही आपको मिल जाएगा बनारस चौक। इसकी लोकेशन में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे ताकि आप लोग आ सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये भाई ये अभी हम ट्राई करेंगे, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपको शॉर्ट ज़रा बता दूं कि बनारस पे तो बहुत ज़्यादा रश है, संडे के दिन आज तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन तो हमने बोला कि भाई आज ट्राई करें बाहर जाएँ ज़रा पुलाव शुलाव करें। जो हैदराबाद का पुलाव खाया था उसकी वीडियो भी आप देखेंगे आगे, वो मैंने डाली नहीं है लेकिन वो मुझे डालनी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द डाल दूंगा और फिर आप देखेंगे। और वो तो पुलाव आउट ऑफ क्लास था, मैंने ऐसा पुलाव नहीं खाया आज तक हैदराबाद का जो पुलाव था, लेकिन अब कराची में तो कराची के पुलाव भी ट्राई करने हैं, चीज़ें ट्राई करनी है। अच्छा मजे की बात है कि राइड तो कहीं हो नहीं रही कि मैं आप वीडियो बताऊँ, लेकिन मेरा एक दो प्लान है जहन में, अब जुलाई का ही प्लान है लेकिन अब देखते हैं कि वो प्लान कहाँ जाता है, किस तरह सक्सेस होता है, तो इसलिए मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा उसके बारे में, लेकिन है एक इंटरनेशनल का और एक लोकल का, तो आई डोंट नो अब लोकल करते हैं इंटरनेशनल करते हैं या फिर दोनों करते हैं, तो वो देखते हैं क्या होता है उसके हिसाब से, क्योंकि बजट वगैरह सब देखना है, काफ़ी पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अभी मैं ये पुलाव वगैरह लेके ट्राई करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर। और ये अच्छा, इसके पुलाव के पीछे ही जो है ना, ये सामने एक चपली कबाब है, वली होटल है, यहाँ पर भी चपली कबाब वगैरह मिलते हैं, ये आप देखें, तो ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको चपली कबाब वगैरह मिलेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चपली कबाब भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो जगह क्या क्या हिसाब है, ये पाव 160, आधा पाव 80, तो ये जो है ये पाव है, अच्छा छोटा आधा पाव का है, तो ये ठीक है यार, ये भी ट्राई करते तो मैं घर के लिए ले जाऊँगा। बस ये एक छोटा सा व्लॉग था भाई पुलाव का, और आप पुलाव पुलाव ही होता है, बस देखते हो खा के बताता हूँ कि किस तरह का है, कि हैदराबाद के मुकाबले में किस तरह का है। चलें भाई, ये देखो ये है 200 रुपये की प्लेट बीफ पुलाव और जर्दे के साथ, चलो ट्राई करते हैं इसको। ये भाई अच्छी इसलिए आ रही है कि रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गया था। अच्छा भाई ये पुलाव और जर्दा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, और अब इतनी दूर आए सब बनारस आए तो खाना कुछ तो खाएंगे ही, तो ये मैं ट्राई करता हूँ किस तरह का है। ये आ गया,
पुलाव अच्छा है। नहीं यार, वो हैदराबाद वाली बात अलग है। क्या बोलते हो? हैदराबाद वाली बात है कि मैं और फरहान गए थे हैदराबाद, तो हमको तो बहुत मज़ा आया था पूरा जो एक दिन का था। मेरे ख्याल से अभी वो नेक्स्ट वीक में आएगी वो वीडियो, तो आप देखिएगा। लेकिन उसकी बात अलग है, पुलाव अच्छा है नो डाउट। हाँ, लेकिन आपको कराची के पुलाव का मजा लेना है तो बेहतरीन जगह है। और आप लोग को भी खाना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो भाई, फिर आपको भी ये मिलेगा, ख्वाब में भी और रियल में भी। जल्दी से और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं फिर।